नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र चौधरी। स्वागत है आप सभी को आपके अपने एजुकेशनल चैनल जेके एडुटेक में। दोस्तों, आज जो है हम सीएनसी और एमआईएस ऑर्डर के बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर आप जीरोधा ब्रोकर का यूज करके ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि अगर आपका अकाउंट जीरोधा में है और जीरोधा से आप जो है ट्रेडिंग यानी कि शेयर मार्केट का काम करते हैं और ऑर्डर को बाय और सेल करते हैं, तो उसमें जो सीएनसी और एमआईएस होता है उसका क्या यूज होता है, आज जो है इस वीडियो में उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने जेके एडुटेक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके जेके एडुटेक को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जेके एडुटेक की तरफ से आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सब्सक्राइब करने के बाद उसके बगल में बने बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों मेन पॉइंट पे कि सीएनसी और एमआईएस का मतलब क्या होता है। जीरोधा में जब भी कोई स्टॉक को आप जो है बाय या सेल करते हैं तो उसमें दो प्रकार के ऑर्डर लगाए जाते हैं जो मेन होते हैं, सीएनसी और एमआईएस। सीएनसी का मतलब होता है कि अगर आप कोई स्टॉक जो है होल्डिंग या पोजीशन बना के होल्डिंग में खरीद रहे हैं या डिलीवरी में खरीद रहे हैं, सीएनसी का मतलब होता है कि अगर आपने कोई स्टॉक जो है सीएनसी के थ्रू बाय किया है तो ये जो है डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग होती है। यानी कि अगर आप 5, 10 या 100 या जितने भी स्टॉक आप बाई करना चाहते हैं या सेल करके, तो उसको आप डिलीवरी में लेते हैं और ये जो है 2 दिन 4 दिन 10 साल 20 साल जब तक आपका मन करे आप उस स्टॉक पर अपना पोजीशन बनाकर रख सकते हैं। ठीक है, वो आपके पास फॉरवर्ड हो जाता है। जबकि इसके विपरीत एक और ऑप्शन होता है एमआईएस। एमआईएस का मतलब होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो एमआईएस ऑर्डर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर एमआईएस ऑर्डर सेलेक्ट करते हैं तो क्या होगा कि आप जब भी कोई स्टॉक 9:15 से लेके 9:15 के बाद जब भी कोई स्टॉक आप बाय या सेल करते हैं तो उसको 3:20 या 3:25 तक आपको 3:25 तक जो है मैक्सिमम आपको उस स्टॉक को सेल या बाय कर देना होता है। अगर आप बाय करते हैं तो उसे सेल करना पड़ेगा, यदि आप सेल करते हैं तो उसे 3:25 तक बाय करना पड़ेगा, नहीं तो आप जो है डिफॉल्टर घोषित हो जाओगे। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों जीरोधा में सीएनसी और एमआईएस। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूं कि दोस्तों कि सीएनसी और एमआईएस क्या होता है। सीएनसी जो होता है डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग के लिए होता है, जिसमें आप जैसे कि स्विंग ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें आपका जो है सीएनसी काम करता है, और एमआईएस जो है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए होता है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो एमआईएस सेलेक्ट करेंगे। तो ये था दोस्तों सीएनसी और एमआईएस कैसे करते हैं। ठीक है, तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल जेके एडुटेक को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जेके एडुटेक की तरफ से जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।